बड़ी खबर, सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने तैमूर पल्ली पंचायत भवन को ध्वस्त किया है। तो ब्लास्ट कर पंचायत भवन को ध्वस्त किया है। 30 से 40 की संख्या में नक्सली पहुंचे हुए थे। मलकानगिरी जिले के मतली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तैमूरपल्ली पंचायत भवन को ध्वस्त कर दिया गया, ब्लास्ट का पंचायत भवन को ध्वस्त किया है। आशुतोष तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, कब की घटना है? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस तरीके से नक्सली बंद का आह्वान किए थे, आज बस्तर संभाग में पूरा बंद का आह्वान किए थे, लेकिन इसका असर बस्तर में तो फिलहाल देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ से सीमावर्ती क्षेत्र जो मलकानगिरी है, वहां पर एक वारदात देखने को मिला है। जो एक पंचायत भवन है उसमें बम लगा के विस्फोट कर दिया गया है। ये पूरा मामला रात का बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 की संख्या में नक्सली हथियारबंद नक्सली यहाँ पर पहुंचे थे, और जो निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर, रोड निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें भी जो वर्कर लगे हुए हैं उनसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद ही उन्होंने बम लगा के जो पंचायत भवन है उसको ध्वस्त किया। हालांकि यहाँ पर फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि किसी को नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन जिस तरीके से वारदात नक्सली कर रहे हैं, हालांकि बस्तर में तो इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मलकानगिरी में इस तरीके से वारदात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर संभाग के जितने नक्सली हैं वो सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। अगर बस्तर में सफल नहीं होते हैं तो जो छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ गढ़ चिरौली है वहां पर इस तरीके से मामला देखने को नजर आता है। हम चाहेंगे कि शुरू से लेकर अभी तक का पूरा घटनाक्रम बताएं आप दर्शकों को। आशुतोष आवाज मिल रही है? आशुतोष आवाज मिल रही है आपको? जी आशुतोष, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से शुरू से लेकर अभी तक का पूरा घटनाक्रम बताएं और किस तरह से वहां पे सर्चिंग की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, पूरा घटनाक्रम बताएं। जी देखिए, बस्तर में बंद का आह्वान किया गया था नक्सलियों द्वारा, लेकिन बस्तर में फिलहाल इसका असर नहीं देखने मिला, ना ही कहीं तांडव नक्सली द्वारा किया गया है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ मलकानगिरी है, वहां पर एक भवन को बम लगा के नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया है। इसमें जितने भवन में जितना ही जो कागज डॉक्यूमेंट थे वो जल गए हैं, जल के खाक हो गए हैं, भवन बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बस्तर के जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे हुए थे और वहां पर इस तरीके का घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि वहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा था, रोड निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें जितने वर्कर लगे हुए थे उनसे भी मारपीट यहाँ पर किए हैं नक्सली। और साथ ही साथ ये बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है कि एक पंचायत भवन को ध्वस्त कर दिए हैं, और यही जानकारी मिलने के बाद ही जो वहाँ पर फोर्स पहुंची है, बस्तर की फोर्स भी पहुंची है और उड़ीसा के जितने फोर्स थे वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सर्चिंग लगातार जारी है क्योंकि 30 से 40 की संख्या में यहाँ पर नक्सली हथियारबंद नक्सली आए हुए थे और जिस तरीके से घटना को अंजाम देकर वो निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो नक्सली हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके के हादसे करते हैं। और देखा जा रहा है कि जो बस्तर में टारगेट नहीं कर पाते हैं नक्सली, तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्र जो होता है जैसे कि गढ़चिरौली देखा जाए तो वहां पर इस तरीके का वारदात को अंजाम देते हैं, या फिर जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र जो उड़ीसा है, मलकानगिरी है, इस जगह को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि बस्तर को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि सुरक्षा बल जो है काफी तादाद में यहाँ पर फैले हुए हैं, और यही वजह है कि नक्सली नजर बनाए रखे। आशुतोष, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही।